पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में शीतल जल एवं खाने को जरूर रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार आत्महत्याओं के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता महिला ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक प्रगति नामक नवविवाहिता महिला ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली है। वहीं प्रगति का पति एक प्राइवेट नौकरी करता है। वो कल नौकरी से आया और जिसके बाद पत्नी ने अपने ही घर में जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। ये हमारी साली है। उम्र इसमें लगा होगा, 24 के करीब। ऐसे क्या नाम था? प्रगति। क्या घटना क्रम हुआ? अरे, इनके घर में कल 1 तारीख को हमारे आने वाली थी 30 तारीख को, और साली जी का फोन आया, इनमें घर में कोई लड़ाई वगैरह आपस में हुई है, उसके बाद ऐसा कोई हरकत हो गई, उसके बाद ये हॉस्पिटल आ गई और बस आने वाली थी। कोई समस्या है जो इनके घर से है? शादी कितने वर्ष हो गई? शादी को यार 1.5 साल हो गए। अच्छा, क्या पारिवारिक विवाद के चलते हैं? नहीं, अब इनके घर में जो होता रहा है, वैसे तो हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी उससे। जी, सुसाइड नोट मिला? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। आपका नाम? महेंद्र विश्वकर्मा। आप कलेक्टर? हम जिया जी। प्रगति पति मुकुंद शर्मा, उम्र 25 साल, निवासी नंदन नगर। जहरीला पदार्थ पीने से अस्पताल में भर्ती की थी इलाज, जो इलाज के दौरान आज रकल मृत्यु हो गई उसके सामने। अभी कुछ नहीं, अभी जाँच करके देखते हैं। अभी एम के बाद पूछताछ की जाएगी, अभी जाँच कर। अभी कुछ नहीं। आपका? निसार अहमद, थाना चंदन। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।